नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव। बिहार की बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर ये है कि कोरोना वायरस की खबरें अब बिहार से भी सामने आ रही है। नए साल के साथ साथ कोरोना वायरस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। बिहार के गया में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरटीपीसीआर जांच में सभी के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। इसके बाद सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ये चारों थाईलैंड, इंग्लैंड और म्यांमार से आए थे। गया एयरपोर्ट पर 2 से 5% विदेशियों की कोरोना को लेकर आरटीपीसीआर जांच होती है। इसी आरटीपीसीआर जांच में सभी चारों विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो एयरपोर्ट पर जो रेंडम जांच हो रहा है उसी में आरटीपीसीआर में पॉजिटिव मिले हैं। वे सभी के कोई लक्षण नहीं है, सब एसिम्प्टोमेटिक हैं और सभी ठीक हैं। ऐसा कोई स्थिति एकदम ठीक है। कितने लोग हैं? 4 आदमी पॉजिटिव मिले हैं। कहाँ कहाँ पर चल रहे? ये म्यांमार के हैं और बैंकॉक के हैं। ये सभी एक ही दिन मिले थे? हाँ, एक ही दिन में मिले थे। इनको आइसोलेट किया गया? हाँ, ये लोग आइसोलेटेड हैं। 2 म्यांमार और 2 बैंकॉक। हाँ जी। थाईलैंड का कोई है? बैंकॉक हुई, थाईलैंड का ही हो गया। अब आगे क्या की जा रही करवा? नहीं नहीं, रेंडम जाँच हो रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम भी नहीं है। जस्ट कॉन्सिडेंट है कि जांच हुआ पॉजिटिव मिले गए। फैलाव को रोकने के लिए मास्क उस लोग पहन रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ठीक है सब। किसी वो भी जांच की जाएगी क्या, जो नया वेरिएंट आया है? वो तो जीनोम सिक्वेंसेस गाइडलाइन में है, इसलिए वो जाँच हो रहा है। पटना भेजा जाता है, अभी रिपोर्ट नहीं आया है। भेजा गया जी जी। गया एयरपोर्ट पर क्या क्या एहतियात इसको लेकर? इसलिए मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचना है, और तो कुछ नहीं है। और सब सर्विसेज एकदम सामान्य है। जाति रह जाए क्या? जी, जाति किस तरह बाहर है? आरटीपीसीआर।